ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज आपको श्रैंग भस्म यानी कि जो हरिण होता है उसके सींग को टुकड़े करके छोटे छोटे और मिट्टी की हंडिया के अंदर डाल के ऊपर कपड़ रोटी करके गज फुट करके और उसकी जो मुलायम भस्म बनती है उसे ही श्रृंग भस्म के नाम से पुकारा जाता है और ये हर एक आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलती है। इसके बारे में बताने के पहले एक बात मैं आपको अपनी ओर से बताता हूँ कि आप ये कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। आप 5 ग्राम या 10 ग्राम की श्रृंग भस्म की एक अच्छी फार्मेसी की शीशी अपने घर के अंदर रखें, यह एक्सपायर नहीं होती है, 5-10 साल तो नहीं होती है और भी नहीं हो सकते। ये आपको कभी भी घर के अंदर परिवार के अंदर काम आएगी और वो क्या काम आएगी वो मैं आपको बता। अचानक परिवार के अंदर भाई बंधु बेटा पोती नाता नाती जो जो भी हैं किसी के भी चेस्ट के अंदर छाती के अंदर दर्द आ जाता है। दर्द छाती का आते ही घबराहट होती है, वो गैस्ट्रिक भी हो सकता है, हृदय से संबंधित भी हो सकता है, जुकाम की वजह से भी हो सकता है, 50 इसके पीछे कारण होते हैं। तो आपको इन कारणों के पीछे नहीं जाना। अगर छाती में दर्द आ गया और आप डॉक्टर से दूर हैं या दवाई से दूर हैं और श्रृंग भस्म आपके पास है तो एक चने के बराबर श्रृंग भस्म को शहद हो तो शहद में नहीं तो जीप पे रख के दूध पी लें, 1 कप, आपको 5 मिनट में आराम आ जाएगा, 10 मिनट में आराम आ जाएगा। इतना बढ़िया ये चेस्ट पेन की एक दवा। अब मैं आपको इसके लाभ भी बताऊंगा और कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी बताऊंगा मैं। श्रृंग भस्म में एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग कफ निसारक के रूप में किया जाता है। श्रृंग भस्म के कफ निसारक गुण आधुनिक एलोपैथिक कफ निसारक औषधियों के साथ तुलनीय है। श्रृंग भस्म फेफड़ों में सूजन, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, बलगम वाली खांसी, आम सर्दी, सीने में दर्द, हृदय शूल यानी कि हार्ट में दर्द, जीन जो है पुराना बुखार, तपेदिक यानी कि टीबी का बुखार, हड्डियों के विकार, सूखा रोग, पायरिया और गुर्दों की कोई खराबी इत्यादि में ये बहुत लाभदायक चीज है। श्रृंग भस्म का निर्माण हिरण के सिंगों से किया जाता है। इस भस्म को सूखे और ठोस 12 सिंगे के शाकादार सिंग के टुकड़ों से बनाया जाता है। हालांकि यदि परिपक्व ठोस हड्डियों में परिवर्तित होने से पहले प्राप्त किए जाएं तो हिरण के सिंगों का बहुत पोषक मान होता है, लेकिन आयुर्वेद में भस्म बनाने के लिए अपरिपक्व सिंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। परिपक्व सिंगों से ही अच्छे पोषक होता है और उसी को श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु आयुर्वेद में भस्म बनाने के लिए निस्तापन की प्रक्रिया में इसके अधिकतर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और इससे मात्र चिकित्सीय गुण बढ़ जाते हैं। फिर सूखे सिंगों की राख को आग के शीर के साथ
संसाधित किया जाता है और पुनः हवा की अनुपस्थिति में राख बनाई जाती है। भस्म की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। ये प्रक्रिया इसके कफ निसारक गुणों को बढ़ा देती है। हाँ, आगे लिखा है, हालांकि श्रृंग भस्म का निर्माण करने में प्रयुक्त हिरण के सिंगों की रासायनिक संरचना निस्तापन की प्रक्रिया में बदल जाती है और अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तब भी श्रृंग भस्म में कैल्शियम, जस्ता, मैग्नीशियम और कुछ ताप में स्थिर रहने वाले अमीनो अम्ल होते हैं। ताप में स्थिर रहने वाले एमिनो अम्ल भी निस्तापन की प्रक्रिया में कम हो जाते हैं। औषधीय गुण श्रृंग भस्म के ये क्या क्या लाभ करती है? कफ निसारक यानी कि कफ को सरलता से बाहर फेंकना, कफ भंजक, कफ को ख़त्म कर देना, काश रोधक यानी कि खांसी को रोकने वाला, जीवाणु अस्तंभन यानी कीटाणु का नाश करता है, और सौम्य पीड़ा नाशक और सौम्य ज्वर नाशक। श्रृंग भस्म को बलगम वाली खांसी, गड़गड़ाहट वाली, छाती में कफ जमाव, सीने में जकड़न, सीने में दर्द या बुखार के साथ जुड़े हुए श्वसन विकारों में उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य उपचारात्मक संकेतों में शामिल है, बलगम वाली खांसी में लाभ करता है, ब्रोंकाइटिस में यह लाभ करता है, फेफड़ों की सूजन में लाभ करता है, निमोनिया में लाभ करता है, पसलियों के बीच में, ये पसलियों के बीच में अगर दर्द होता है, खांसी हो या बुखार हो, इसमें बहुत फायदा करता है, इन्फ्लुएंजा में फायदा करता है, सामान्य शीत का मतलब सर्दी लग जाना, इसमें फायदा करता है, छाती में दर्द, ये मैं पहले बता चुका, हृदय के अंदर दर्द, ये भी मैं आप उसमें आ गया, टीबी रोग के बुखार के अंदर और सूखा रोग में, पायरिया के अंदर और गुर्दों के ऊपर इसके लाभ होते हैं। श्रृंग भस्म मुख्य रूप से श्वसन विकारों और हड्डी संबंधी विकारों में लाभप्रद है। ये हड्डियों, जोड़ों, उपस्थित फेफड़े और हृदय को शक्ति देता है। बलगम वाली खांसी, श्रृंग भस्म में फेफड़ों और सांस लेने के मार्ग को साफ करने में मदद करता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब श्लेष्म में स्राव को विनियत करने की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद में निम्नलिखित संयोजन बलगम वाली खांसी के उपचार में सहायक होती है। हाँ, ये फेफड़ों को साफ करने में मदद करती है और खांसी में आराम देती है। हृदय शूल यानी कि हृदय के अंदर दर्द, श्रृंग भस्म, हीरक भस्म और स्वर्ण भस्म आयुर्वेदिक उपचार हैं जो हृदय शूल और छाती के दर्द में मदद करते हैं। श्रृंग भस्म को 5 मिलीलीटर घी के साथ उपयोग करने पर यह अकेले ही हल्के से मध्यम मामलों में मदद कर सकता है। छाती के दर्द में या हार्ट के दर्द में इसको गाय के घी के साथ 3 रत्ती लेने से ही ये दर्द को, छाती के दर्द को कम कर देता है। ये संयोजन हृदय की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह में सुधार करता है और छाती में जकड़न और दर्द को कम करता है। ये
छाती में दबाव को भी कम करता है। गंभीर मामलों में हो सकता है कि सुरंग भस्म में अकेले काम न करे, निम्न संयोजन की आवश्यकता पड़ सकती है। हाँ, फेफड़ों के अंदर सूजन, फेफड़ों में सूजन के कारण ये छाती में तेज दर्द का कारण बनता है। श्वास लेते समय अधिक कष्टकर हो जाता है। इसके उपचार के लिए आयुर्वेद में सुरंग भस्म का उपयोग बताया गया है और दर्द का उपचार के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा टीबी के अंदर जो बुखार होता है, सुरंग भस्म में जीवाणुओं को गतिहीन करने के गुण होते हैं, जिससे तपेदिक में होने वाली संभावना होती है। ये माइकोबैक्टीरियम टूबरकल की वृद्धि को रोकता है। हालांकि सुरंग भस्म तपेदिक में सहायता भूमिका निभाता है और मुख्य औषधि स्वर्ण भस्म होती है। प्रवाल पिष्टि के साथ ये बुखार, शरीर दर्द और कमजोरी को कम कर देता है। सूखा रोग जो होता है बच्चों का, औरों का, जो सूखते जाते हैं, सूखा रोग के अंदर परवाल पिष्टि 250 मिलीग्राम, गोदंती भस्म 250 मिलीग्राम और सुरंग भस्म 125 मिलीग्राम सूखा रोग में अस्थि स्वास्थ्य में सुधार करता है। ये बच्चे को शक्ति प्रदान करता है और समग्र विकास में सुधार करता है। सुरंग भस्म में जीवाणुरोधी क्रिया होती है और ये मवाद को सुखाता है, जिससे गुर्दों के संक्रमण में उपचार में मदद मिलती है। इसका उपयोग बंग भस्म, चंद्र प्रभावटी और चंदना शव के साथ करने से ये गुर्दों के संक्रमण मूत्राशय संक्रमण और मूत्र में मवाद को कम करता है। हाँ, सूखी कांची, सूखी कांची स्वर्ण भस्म सुरंग भस्म का एक पूर्व विपरीत संकेत है। ये वायु नली को सुखाता है, जिससे सूखी खांसी अधिक बिगड़ जाती है। हाँ, देखिए कुल मिला के सुरंग भस्म जो हिरण होते हैं, यही हिरण जो सब जगह पाए जाते हैं, तो ये झुंड के अंदर रहते हैं, आपस में लड़ते हैं, सिंगों से लड़ते हैं, तो उनके सिंगों के टुकड़े हैं वो बिखर जाते हैं, इधर उधर मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं। मैं पहले मॉर्निंग वॉक करता था अपने गांव के अंदर, तो रेत के टीलों के ऊपर मेरे को कई टुकड़े मिलते थे और मैं जेब में भर के ले आता था। अब मैं इनका क्या करता उस वक्त, तो इस तरह से इनके टुकड़े फार्मेसियों को इजीली प्राप्त हो जाते हैं। फिर इन टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़े करके और वही कपड़ मिट्टी करके, गज फुट करके हंडिया के अंदर और फूंक करके और स्वर्ण भस्म तैयार कर लेते हैं वैद्य लोग। स्वर्ण भस्म को घर पे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ बाज़ार में मिलती है तो क्यों माथा फोड़ करें। तो सुरंग भस्म में अभी हिरण के सिंह मिल रहे हैं, आने वाले समय में हिरण कम होते जा रहे हैं और जैसे जोंदे बेदस्तर
कस्तूरी, जैसे ये गायब हो गए वैसे ही हिरण के सींग भी मिलने बंद हो जाएंगे और श्रृंग बस में मिलेगी नहीं, अभी मिलती है तो अपने घरेलू कफ वाली खांसी अगर आती है तो आधा चम्मच से तो फलादी चूर्ण और उसके अंदर दो रत्ती श्रृंग भस्म, कफ वाली खांसी में एक पुड़िया सुबह चाटे हैं, एक पुड़िया शाम को चाटे हैं, तीन दिन के अंदर आपका कफ बाहर आ जाएगा और आपका जुखाम खांसी जो भी है वो ठीक हो जाएगा। चेस्ट के दर्द में बहुत काम आता है, मैं बता चुका, और छोटे बच्चों के अंदर डब्बा रोग या निमोनिया वगैरह होते हैं तो स्वर्ण भस्म श्रृंग भस्म को एक रस्ती शहद में मिला करके सुबह शाम चटाने से उनका कफ सरलता से निकल जाता है। एक चीज़ को याद रखें, श्रृंग भस्म में अधिकतर जो बलगम वाली खांसी होती है कोई भी रोग में उसमें ज़्यादा फायदा करती है, सूखी खांसी में इसको काम में नहीं लेना चाहिए। कुल मिला के ये हृदय के दर्द को और छाती के पेन को दर्द को रोकने वाली और एक सस्ती बहुत अच्छी भस्म है। अपने घर में एक डिबिया ज़रूर रखें। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें।